पहले इलेक्शन होने वाले थे अप्रैल में, और तब उसके पहले हम सब लोग, हमारे पालक मंत्री खासदार साहब, हम सब लोगों ने आघाड़ी के साथ काम चालू किया था। आपने देखा होगा हर मोहल्ले में जाके या हर एरिया में जाके आघाड़ी के लोगों की, कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग्स थी या जो पब्लिक मीटिंग्स थी, हमने आघाड़ी करके ली थी। और उस समय वार्ड्स कम थे, फॉर्चुनेटली अभी वार्ड की संख्या भी बढ़ी है, इसलिए आने वाले चुनाव में यहाँ के तीनों जो पार्टीज हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है और कार्यकर्ता है, इन सबकी ये इच्छा है कि आघाड़ी के माध्यम से यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए और यहाँ की जो घरानी चाहिए, यहाँ का जो भ्रष्टाचार है अगर उसको हटाना है तो हम सब लोग इकट्ठा अगर लड़ते हैं तो आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोगों की इच्छा, हमारे सीनियर जो है, हमारे पार्टी के जो हाईकमांड है तीनों पार्टी के, उनको हम कन्विंस करेंगे कि यह आघाड़ी होनी चाहिए। बीजेपी में आज जो लोग गए हैं उनको बीजेपी में कोई पूछता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी में उनकी कोई कीमत नहीं, इसलिए उन्होंने बीजेपी का ठप्पा लेके कोई चुनाव लड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये एक बात। दूसरी बात, इन लोगों ने खुद का विकास करने के लिए पूरे 10 साल 15 साल काम किया है, कार्यकर्ता को कोई कार्यकर्ता का या शहर का ही विकास इन्होंने कुछ नहीं किया है, इसलिए उनको कोई भी तकरार करने का, एलिगेशन करने का कोई अधिकार नहीं। और लोगों को ये पता नहीं कि आज बीजेपी, ये पहले सेना में थे, उसके बाद राष्ट्रवादी में गए, वहाँ शरद पवार के पीठ में सुराख भूख के बीजेपी में गए, लोगों को ये पता नहीं कि इलेक्शन आते तक ये और कौन से पार्टी में जाएंगे, इसलिए इनके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया, वो क्या बोलते हैं उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।